गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो केमती अच्छा पिले? तो समस्ते निश्चय तो बहुत भल रे थिबो। तो देखो स्टूडेंट, आज टॉपिक रो आमे कोन इंटीग्रेशन रो नुवा सीरीज स्टार्ट करछु। कुछ पल स्टूडेंट इंटीग्रेशन नुवा सीरीज स्टार्ट करछु, काही बहुत पिलांकर डाउट अछि कि सर इंटीग्रेशन स्टार्ट करंतु, काही एटा टर्म 2 रो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कोन तो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन रो पूरा जो कहया गले इंटी पूरा टर्म 2 रे पूरा इंटीग्रेशन रो खानदानी आसीबो। जेमते इंटीग्रेशन को तीनटा पार्ट रे डिवाइड कराय छै कोन रे पिले, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। बुझ पल स्टूडेंट इंटीग्रेशन केतरा पार्ट रे डिवाइड कराय छै, गोटे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, गोटे डेफिनाइट इंटीग्रेशन, आ गोटे एरिया किंवा एप्लीकेशन ऑफ कोई परबो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होला, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन किंवा तको में एरिया बोली कहिथाओ। बुझ पल ए पूरा जिनसोडा काउंटर आछ तबर इंटीग्रेशन रहला। तो इंटीग्रेशन तमे एग्जाम रे बहुत वेटेज रखुची, तो सेति भाई बहुत पिलांकर इंटीग्रेशन बहुत टफ लागे। सेति हमें पूरा फंडामेंटल बेसिक रु स्टार्ट करबा, जहा द्वारा कि तमरे इंटीग्रेशन किछ असुविधा होबनी। आमे 1 बाय 1 तमरे एक्सरसाइज तो अपलोड करबा ही करबा, किंतु मु तुमको फंडामेंटल रु स्टार्टिंग करय चाहूची कि केति के फार्मूलाज अछि, बेसिक फंडामेंटल्स कोन कोन दरकार, जहा द्वारा कि तमरे एक्सरसाइज को जीवो आ तमरे किछ असुविधा रहिबो नै। बुझ पल स्टूडेंट, तो वीडियो टी स्टार्ट करिया पूर्व समस्त को जो माने नुआ देखु छ वीडियो टी को सब्सक्राइब करके रखंतु, आउ समस्त शेयर करंतु, जहा द्वारा कि समस्त इंटीग्रेशन जो टफनेस अछि फील करचंति टफ कि इंटीग्रेशन बहुत टफ, इंटीग्रेशन पार्ट को छाडी देबा। बहुत पिला देखो हमन कि सर हम इंटीग्रेशन पार्ट को छाडी देबा काहे सेटा हम द्वारा होउनी। तो देखो स्टूडेंट किछि डर नै, तमे जे इंटीग्रेशन छाडु छ तो बहुत असुविधा रे पड़िबो, काहे कि तमे आगु जेते फर्दर स्टडी करबो इंटीग्रेशन रे एप्लीकेशन बहुत ही जब अधिक आछ। बुझ पला, तो इंटीग्रेशन को तमे भूली जाओ कि केबे छाडी परियो बोल हला। तो मु तमे एति श्योरिटी दउ छी कि तमे 1 बाय 1 वीडियो देखि चलो, बिट बाय बिट गोटे वीडियो स्किप करनी, तमको इंटीग्रेशन बहुत ही इजी लागियो। बुझ पला स्टूडेंट, 1 बाय 1 टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो देखो, मु पूरा सिक्वेंशियली वीडियो अपलोड करबी, जहा द्वारा कि तमर किछ असुविधा रहिबो नै हला। तो चलो, तो चलो स्टूडेंट एबे इंटीग्रेशन पाई केतरा दरकार, हमरा टोटल 19 बेसिक फार्मूलाज अछि, केतरा 19 बेसिक फार्मूला टोटल, जदि हम कहबी टोटल 29 फार्मूलाज दरकार, 19 रहला बेसिक फार्मूला आ 10टा रहला स्पेशल फार्मूला। तो मो जेतला आगु फर्दर वीडियो रे मो तुमको 10टा जो स्पेशल फार्मूला अछि सेगुडा भी प्रोवाइड कर देबे। टोटल ओनली 29 फार्मूला रे टोटल इंटीग्रेशन तोर कवर हिजो। बुझ पलो स्टूडेंट, आ टोटल किछि दरकार भी पड़िबनि हला। तो चलो स्टूडेंट टी फार्मूला को देखिबा, तो फार्मूला को तमे राइट डाउन करिवो, ताहे तो तगु लर्न करिया स्टार्ट कर दियो हला। तो फर्स्ट फार्मूला कोन इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n कोन स्टूडेंट, x टू द पावर n+1 / n+1 + c हला। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x फार्मूला e टू द पावर x + c, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -x तो केतरा रहला स्टूडेंट - e टू द पावर -x + c, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x = ln x। तो देखो स्टूडेंट एटी किछि किछि फार्मूला डेरिवेटिव रो उल्टा अछि, काहे देखो स्टूडेंट आमे इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहिथौ। बुझ पला, एंटी मींस तोमर कोन ऑपोजिट, तो इंटीग्रेशन को आमे एंटी डेरिवेटिव भी कहिथौ, सेतै किछि किछि फार्मूला उल्टा अछि। जेंते फॉर एग्जांपल आमे ln x रो डेरिवेटिव कोन पढुथुलु 1/x, एटी 1/x रो इंटीग्रेशन कोन ln x। बुझ पला, a टू द x रो फार्मूला a टू द x / ln a, kx k होइस तोमर कोन एनी कांस्टेंट, तो kx रो इंटीग्रेशन केते हो स्टूडेंट kx + c, केते kx + c। चलो साइन एक्स इंटीग्रेशन कते माइनस कॉस एक्स प्लस सी, डेरिवेटिव रहा कौन था साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, किंतु ये टिके उल्टा अच्छे, तो साइन एक्स इंटीग्रेशन कौन लिखा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। हाँ आउ गोटे इंपोर्टेंट जिस देख स्टूडेंट, ये कौन पढ़ु तुम सब गुट फर्मुला गोटे जिस मार्क कर प्लस सी लिखा है, प्लस सी कौन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कौन पिले कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हला। ए सी कौन पर लिखा जाए, तो हमें जो हमें पढ़ु दैट इज कॉल्ड इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, कौन स्टूडेंट पिला इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट मतलब कौन जार डेफिनेट वैल्यू ना, कौन जार डेफिनेट वैल्यू ना, से आम कौन करूँ गोटे प्लस सी एड करूँ खोला गोटे डेफिनेट वैल्यू को आने कि आडजस्ट करने से आम प्लस सी लिखी था। तो ये माइंड रख, एत अधिक भाविया दरकार नहीं कि तुम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में तुम कौन गोटे प्लस सी लगे, दैट्स इट है। कॉस एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, टेन एक्स इंटीग्रेशन कते लॉन मॉड मॉड सेक एक्स प्लस सी, कॉट एक्स इंटीग्रेशन लॉन मॉड साइन एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटीग्रेशन लॉन मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स इंटीग्रेशन लॉन मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स कते रहला टेन एक्स प्लस सी। जेमते डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स कौन पढ़ु टेन एक्स डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, किंतु एटी सेक्स स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आम डेरिवेटिव कौन पढ़ु कॉट एक्स सॉरी डेरिवेटिव कौन होता माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी, तो टी उल्टा अच्छे।
sec x into 10x, 10x रे इंटीग्रेशन केते sec x plus c, तो हमें डेरिवेटिव रे कौन पढ़ी चुके sec x रे डेरिवेटिव केते पिले sec x into 10x, तो ये देख पाचो किसी की जिनसे कौन चुके उल्टा अच्छे ला, तो किसी की जिनसे में टोटल जिनसे ही उल्टा अच्छी, बुझ पालो स्ट्रेंड, सेती में आपको कौन एंटी डेरिवेटिव बोली कोई था ना, तो cosec x into cot x, तो रे एंटी इंटीग्रेशन केते पिले minus cosec x plus c. अब देखो स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स रो डेरिवेटिव कते थिला 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर एडी 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर इंटीग्रेशन केते साइन इनवर्स एक्स प्लस सी 10 इनवर्स एक्स रो डेरिवेटिव कते थिला पिले 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हला एबडी 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन होची 10 इनवर्स एक्स प्लस सी नेक्स्ट लास्ट वन हमर सेक इनवर्स एक्स रो डेरिवेटिव कते थिला 1 बाय एक्स इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर किंतु एडी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रो इंटीग्रेशन होची तमरो सेक इनवर्स एक्स बुझ पाला पिले तो ये तो रहला हमर फंडामेंटल कोन रहला फार्मूलास हला तो मु किछ फार्मूलास यूज करके किछ किछ कोन करबी इंटीग्रेशन करबी बेसिक इंटीग्रेशन सब करबी तापर हम धीरे धीरे आ नेक्स्ट मेथड किछ बा सब्स्टिट्यूशन मेथड तो तुमको दीटा को तीनटा वीडियो लागियो जहा दर कि तुम फंडामेंटल स्ट्रांग हो जबो जेतल तुम फंडामेंटल स्ट्रांग हो जबो दीटा तीनटा वीडियो परे मैं इति श्योर छी एटलीस्ट तुम तीनटा पार्ट लागियो तीनटा वीडियो परे तुम फंडामेंटल निहाती स्ट्रांग हो जेतिबो तापरे मु स्टार्ट करबि तुमर एक्सरसाइज को जेबी जहा दर कि आ तुमर किछ एक्सरसाइज करला बले आ किछ असुविधा रहिबो नाइ बुझ पालो पिले तो फटाफट वीडियो को नोट डाउन कर दियो तो चलो स्टूडेंट किछ किछ बेसिक क्वेश्चन रो स्टार्ट करबा तापरे जाके हमें तुमर कोन एक्सरसाइज को जीवा हला तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन दे पिले तो 1 बाय 1 जति क्वेश्चन कर पूरा ध्यान से देखो ध्यान से बुझो एबे परडु जो दीटा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आसीबो तमे ताको किछि नै खाली इंटीग्रेशन को बुझिया को ट्राई करो तापर एक्सरसाइज विषय रे भाबियो एबे एक्सरसाइज विषय रे कंप्लीटली भूली जाओ फर्स्ट हमें कांसेप्ट को क्लियर करबा इंटीग्रेशन रो कि सेति में दुइटा रे तीनटा वीडियो तमे आराम से कोन देखो पिले आराम से कांसेप्ट को क्लियर करो एबे इंटीग्रेशन एक्सरसाइज भीतर पूरा माइंड को हटे दियो हला चलो फर्स्ट क्वेश्चन कोन दे छि पिले x टू द पावर 5 प्लस sin x माइनस 10x होल रो dx तो फर्स्ट कौन करियो पिले इंडिविजुअल कर दियो हला तो x टू द पावर 5 dx प्लस sin x dx माइनस 10x dx हला तो देखो स्टूडेंट ए क्वेश्चन करया पूर्व कहिबे तो जो तीस फार्मूला लिखिस तको कॉपी रे लिखि के साइड रे रखो हला फार्मूला देखो मु जेमती करू छला काई फार्मूला सब यूज करबे हला तो फर्स्ट x टू द पावर 5 रो फार्मूला कोन x टू द पावर n रो फार्मूला x टू द पावर n फार्मूला कोन n प्लस 1 तो n एडी केते केते हमर 5 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 प्लस sin x रो इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस 10 x रो इंटीग्रेशन केते पिले ln mod sec x हला प्लस c तो देखो पिले समस्त को पाई इंडिविजुअल c लिखिया दरकार नै गोटे क्वेश्चन पाई गोटे c लिखले भी चली जइबो बुझ पालो स्टूडेंट तो आंसर कितने स्टूडेंट x टू द पावर 6 बाय 6 प्लस माइनस माइनस cos x माइनस ln mod sec x प्लस c बुझ पाला पिले ये हो गला तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर चलो सेकंड बिट क्वेश्चन को आसो कौन दिछ पिले e टू द पावर x प्लस 1 बाय x माइनस x टू द पावर q dx हला तो एबे जति क्वेश्चन रहबो तुम्हारा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो रे सब फार्मूला बेस्ड रहबो हला मींस तुम्हारा फार्मूला रो डायरेक्ट डिराइव हो तो माने मतलब डायरेक्ट आंसर माने आंसर तो फाइंड कर परथियो पुट द फार्मूला गेट द आंसर टाइप हला तो सेति भाई खाली देखि चलो फार्मूला को साइड रखो आ देखि चलो केमथि होउछ सब हला तो फर्स्ट हम कोन करिया पिले इंडिविजुअल कर देबा तो e टू द पावर x dx 1 बाय x dx माइनस x टू द पावर 3 dx तो e टू द पावर x रो इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस 1 बाय x रो ln mod x माइनस x टू द पावर q रो केते हो स्टूडेंट x टू द पावर n फार्मूला तो 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस c इंटीग्रेशन सरीला मात्र हमर प्लस c आसी जबो हला तो e टू द पावर x ln mod x माइनस x टू द पावर केते 3 प्लस 1 दैट इज योर 4 बाय 4 प्लस c एको एमती भी लिख परिवो e टू द पावर x प्लस ln mod x माइनस एडा 1 बाय 4 बाहर लिखो x टू द पावर 4 प्लस c बुझ पाला पिले तो ये रहला तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन आ सेकंड क्वेश्चन चलो थर्ड क्वेश्चन को आसीबा तो थर्ड क्वेश्चन दे छि पिले केते x स्क्वायर प्लस 3x बाय x केते दे छि पिले x स्क्वायर प्लस 3x बाय x एती दे छि क्वेश्चन हला तो तमे कोन करिवो देखो इंडिविजुअल कर दियो हला x स्क्वायर बाय x dx प्लस 3x बाय x dx बुझ पालो पिले चलो तो x स्क्वायर गोटे x कटि गला तो रहिला x dx
प्लस एठी एक्स एक्स कटिगला तो कितने रहा थ्री तो थ्री कन्स्टांट बाहरी गला तो वन डी एक्स है तो देख बिले एक्स रे किछ ना माने पावर कोन अछि वन अछि एक्स रे किछ ना माने बाय डिफॉल्ट पावर वन अछि तो आंसर केते हबो एक्स टू द पावर वन प्लस वन बाय वन प्लस वन प्लस थ्री वन रे इंटीग्रेशन केते बिले एक्स प्लस सी तो आंसर केते हला एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस थ्री एक्स प्लस सी बुझ पाला पिले तो ये हो गला तुम्हारा फाइनल आंसर है तो फटाफट नोट डाउन करो पिले तो देखो एमती धीरे धीरे तुम कनसेप्ट पूरा क्लियर हो जाद्वे आप तुम इंटीग्रेशन में किसी भी असुविधा रही है तुम जितनी सीबीएसई पिला आईसीएसई पिला कि जो टाइप ऑल ओडिशा जहाँ भी सब जमी पिला अच्छा सब ऑल टाइप्स बोर्ड्स पिला अच्छा इंटीग्रेशन आउ डर है इंटीग्रेशन मुझे तुमको पूरा फंडामेंटल स्टार्ट करी तो समस्त जहाँ को भी इंटीग्रेशन डर लगुच तो समस्त चैनल को सब्सक्राइब करके देख सिक्वेंशियल वीडियो देख देख तुमको टिके भी असुविधा लगे ना इंटीग्रेशन टेंशन हटिज है तो चलो हमर पार्ट थ्री तीन टा क्वेश्चन सरीगला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर को जीवा क्वेश्चन नंबर फोर कौन दे पिले एक्स प्लस वन रो होल स्क्वायर तो एक्स प्लस वन रो होल स्क्वायर डीएक्स तो फर्स्ट कौन कर एक्सपांड कर दियो तो कितने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ठीक अच्छे पिले तो या इंडिविजुआल कर दियो एक्स स्क्वायर डीएक्स वन डीएक्स प्लस 2x dx ठीक अच्छे पिले चलो एवं आराम से इंटीग्रेशन करो एक्स टू दर कौन दे स्क्वायर दे तो एक्स टू दर एन फॉर्मूला तो कितने हम एक्स टू द पार टू प्लस वन बाय टू प्लस वन प्लस वन रे इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू कांस्टेंट बाहरी गला तो एक्स रो पावर कितने अच्छी वन तो कौन लिख पारे एक्स टू द पार वन प्लस वन बाय वन प्लस वन प्लस सी बुझ पाला फ्रेंड जमी डेरिवेटिव कांस्टेंट बाहरी जाए इंटीग्रेशन भी कांस्टेंट बाहर रही है तो कैसे है आंसर लिखा एक्स टू द पार टू प्लस वन थ्री बाय थ्री प्लस एक्स प्लस टू एक्स टू दिपार वन प्लस वन है टू एटा बाय टू प्लस सी टू टू कैंसल एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी बुझ पाला पिले ये है तुम्हारा फाइनल आंसर है तो बिट फोर कंप्लीट चलो सब बिट फाइव को तो पांच नंबर क्वेश्चन कौन दे पिले एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स टोटल रो डीएक्स है तो फास्ट काम आम कौन इंडिविजुअल करवा तो फास्ट आम कौन करवा इंडिविजुअल करदे तो देखि चलो तो एक्स क्यू बाय एक्स डीएक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर बाय एक्स फोर एक्स स्क्वायर बाय एक्स डीएक्स प्लस थ्री एक्स इंटीग्रेशन ऑफ प्लस थ्री एक्स बाय एक्स डीएक्स माइनस के अच्छे वन तो वन बाई एक्स तो कत रहा पे वन बाय एक्स डीएक्स चलो तो एक्स क्यू एक्स गोटे कटिगला तो रहा एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस एटी एक्स स्क्वायर गोटे एक्स कटिगला तो रहा फोर एक्स डीएक्स प्लस एटी एक्स एक्स पूरा कटिगला तो रहा कैसे थ्री डीएक्स तो ये तो किसी कटवन तो वन बाय एक्स डीएक्स आज इट इज तो टी सजे लिखिदे आउ थे एक्स स्क्वायर डीएक्स फोर कांस्टेंट बाहर कर देली तो एक्स डीएक्स तो एक्स रो पावर के किसी ना मैंने बाय डिफॉल्ट वन थ्री बाहर कर देली तो किसी ना मैंने बाय डिफॉल्ट वन माइनस वन बाय एक्स डीएक्स ठीक अच्छे पिले तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कहते एन फॉर्मूला तो टू प्लस वन बाय टू प्लस वन प्लस फोर एक्स रो इंटीग्रेशन वन अच्छी तो वन प्लस वन बाय वन प्लस वन प्लस थ्री वन रो इंटीग्रेशन हो गला पिले एक्स माइनस वन बाय एक्स रो लॉन मॉड एक्स प्लस सी तो कहते हो फाइनल 2 प्लस वन तो q बाय थ्री प्लस फोर एक्स रो वन प्लस वन तो टू बाय टू प्लस थ्री एक्स माइनस लॉन मॉड एक्स प्लस सी तो ये टू ए चार को काट तो एक्स क्यू बाय थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस लॉन मॉड एक्स प्लस सी बुझ पाला पिले ये गला तुम्हारा आंसर कितने नंबर क्वेश्चन बोले पांच नंबर क्वेश्चन आंसर है तो फटाफट नोट डाउन कर तेमती नोट करी चला नोट डाउन करी चला देखियो तुम इंटीग्रेशन आराम से तुमको बहुत ही इजी लगे बुझ पाल पिले तो कंप्लीट हो गला तुम नंबर फाइव है चलो नंबर सिक्स देख कौन दे क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन देखिए इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स टू द पार फाइव बाय टू थ्री एक्स टू द पार फाइव बाय टू तुम इंडिविजुअल डायरेक्ट इंडिविजुअल करदे माइनस ई टू द पार एक्स डीएक्स प्लस प्लस सेक एक्स डीएक्स तो मुझे कौन कल बोले स्टार्टिंग इंडिविजुअल कर करदे है तो ये कौन अच्छे थ्री कांस्टेंट तो बाहरी गला
तो थ्री कन्स्टांट बाहर ले इंटीग्रेशन के 5 बाय 2 dx माइनस e टू द पावर x dx प्लस sec x dx। चलो इंटीग्रेशन करिया स्टार्ट करिया 3 को 3 रहला x टू द पावर कौन अछि 5 बाय 2 तो x टू द पावर कार फार्मूला पड़ियो x टू द पावर n फार्मूला तो x टू द पावर 5 बाय 2 प्लस 1 बाय 5 बाय 2 प्लस 1 माइनस e टू द पावर x रो e टू द पावर x प्लस sec x रो ln mod sec x प्लस 10x प्लस c तो फाइनली केते होछि 3x टू द पावर 5 बाय 2 प्लस 1 तो केते होछि 7 बाय 2 एठी भी तमरो 7 बाय 2 माइनस e टू द पावर x ln mod sec x प्लस 10x प्लस c तो केते हो देखो स्टूडेंट 3 को 3 रहला x टू द पावर एटा 7 बाय 2 एटा 7 बाय 2 तळे अछि उल्टी ले केते जो पिले 2 बाय 7 माइनस e टू द पावर x प्लस ln mod sec x 10x प्लस c तो फाइनली 3 इनटू 2 6 बाय 7 x टू द पावर 7 बाय 2 माइनस e टू द पावर x प्लस ln mod sec x प्लस 10x प्लस c बुझ पाला पिले तो ये रहला तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर 7 कौन दिछ पिले देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस cot x प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस cot x प्लस 3 होल रो dx हला तो फर्स्ट तुम कौन करियो इंडिविजुअल करियो जहां भी क्वेश्चन था तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx माइनस cot x dx प्लस 3 कांस्टेंट बाहर कर देली 1 dx तो sec x इंटीग्रेशन ln mod sec x प्लस 10x माइनस cot x इंटीग्रेशन ln mod sin x sin x प्लस 3 को 3 रहला 1 इंटीग्रेशन x तबरे प्लस c तो फाइनल आंसर के पहुंच पिले ln mod sec x plus 10x minus ln mod sin x plus 3x plus c बुझ पालो पिले तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हला तो पिले निश्चय तुम बुझी पारथिबो तो ये वस्तु बेसिक लेवल तो बेसिक लेवल को तुम स्ट्रांग कर कर चलो मु तुम कोच तीनटा पार्ट 1 आजर वीडियो टा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनटा वीडियो रे मु तुम टोटल कौन रहला बेसिक क्लियर कर देबी तापर हम एक्सरसाइज कौन एक्सरसाइज 7 को जीवा चाह दरे कि तमरा आ के तमर कौन डर नथिबो क्वेश्चन जतले करबी तुमको आ डर लागिवन कि सर हमर कौन क्वेश्चन हम बुझी पारनु कि क्वेश्चन करि पारनु काई तोर फंडामेंटल स्ट्रांग है सर थे होला तो फटाफट नोट डाउन कर दे पिले तो चलो स्टूडेंट आउरी क्वेश्चन किसी देखिबा तो नंबर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हला तो चलो स्टूडेंट तो फर्स्ट नंबर 8 कौन देछि इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस रूट x रो होल स्क्वायर dx तो फर्स्ट कौन करियो पिले याको एक्सपांड कर दियो मींस a प्लस b रो होल स्क्वायर रे एक्सपांड कर दियो तो केते हबो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ठीक अछि पिले इनटू dx तो x स्क्वायर रो स्क्वायर हेगला तमार x टू द पावर 4 स्क्वायर रूट ओवर हेगला तमरे x एटा केते पिले 2 x टू द पावर केते उच पिले पावर केते अछि 2 अछि 2 अछि x रो पावर आ उठे केते स्टूडेंट आ 1 बाय 2 तमे जानछो बेस सेम थिले पावर कोन हे जाय ऐड हे जाय तो दुजने 4 1 5 तो x टू द पावर केते होछ 5 बाय 2 dx बुझ पलो पिले 5 बाय 2 dx ठीक अछि चलो एबे को इंडिविजुअल करबा तो x टू द पावर 4 dx x dx x ऊपर किछ ना माने बाय डिफॉल्ट 1 अछि प्लस 2 कांस्टेंट को बाहर कर दियो x टू द पावर 5 बाय 2 dx हला तो x टू द पावर 4 केते पिले 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 प्लस x टू द पावर केते अछि पावर 1 अछि तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस 2 x टू द पावर 5 बाय 2 अछि तो 5 बाय 2 प्लस 1 बाय 5 बाय 2 प्लस 1 प्लस c तो x टू द पावर 5 4 प्लस 1 तो 5 बाय 5 प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1 तो 2 बाय 2 प्लस 2 x टू द पावर 5 बाय 2 प्लस 1 तो केते हो पिले एटा 7 बाय 2 एटा भी 7 बाय 2 प्लस c ऊपर पावर रे जते होबो तळे भी सेती ही होबो हला तो x टू द पावर 5 बाय 5 प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 x टू द पावर 7 बाय 2 तो 7 बाय 2 टा उल्टी के एटा केते हो जबो 2 बाय 7 प्लस c तो फाइनली x टू द पावर 5 बाय 5 x square by 2 plus 2 into 2 4 by 7 x to the power 7 by 2 plus c bujh palo pile chalo number 8 ko number 9 ko aso
नंबर 9 क्वेश्चन कौन दी पिले फर्स्ट लिखी दियो क्वेश्चन टा 3 बाय x स्क्वायर प्लस 1 बाय x टू द पावर 2l रो dx एटा दी छि क्वेश्चन तो फर्स्ट कौन करबा को क्वेश्चन गुटे प्रॉपर फॉर्म रे लिखबा टे भद्र फॉर्म रे लिखबा हला तुम कौन कर छि देखो पिले तो 3 होचे कांस्टेंट तो 3 को बाहर कर देली तो 1 बाय x स्क्वायर dx प्लस एटा केते 1 बाय x टू द पावर 12 मींस 12 dx ठीक अछि थाउ तो 3 को 3 बाहर था x टू द पावर स्क्वायर अछि तळे ऊपर गले x टू द पावर -2 dx प्लस x टू द पावर 12 अछि ऊपर गले x टू द पावर -12 dx बुझ पलो स्टूडेंट तो प्रॉपर को फॉर्म रे लिखली x टू द पावर n फॉर्म रे लिखली को फॉर्म रे x टू द पावर n फॉर्म रे एबे को x टू द पावर n फॉर्म ला तो -2 अछि तो -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 प्लस x टू द पावर -12 प्लस 1 बाय -12 -12 प्लस 1 प्लस c तो फाइनली केते होचे 3x टू द पावर -2 प्लस 1 हला -1 बाय -1 प्लस x टू द पावर -12 प्लस 1 -11 बाय -11 प्लस c बुझ पालो पिले तो फाइनली केते होचे ए प्लस माइनस माइनस 3x टू द पावर इनवर्स ए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस केते होला -1 बाय 11 x टू द पावर -11 प्लस c हला तो एमती लिखले भी चलिबो तो आउटे भल से भलो फॉर्म में लिखियो चाहौ छ इनवर्स अछि त लिख परियो 3 बाय x माइनस 1 बाय 11 अब x टू द पावर माइनस 11 अछि तो 1 बाय x टू द पावर 11 प्लस c आराम से लिखि परियो बुझ पालो पिले तो 8 नंबर कंप्लीट 9 नंबर कंप्लीट हला र 10 नंबर गोड मिस होई छि 10 हला तो ई हला तमरो नंबर 10 ई हला तमरो नंबर 11 ई हला तमरो नंबर 11 ये 12 ये 13 ये रहला तुम्हारो 14 ये रहला तुम्हारो 15 हला तो चलो नंबर 10 को ऐसा तो नंबर 10 क्वेश्चन कौन दे छि पिले नंबर 10 क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय cos स्क्वायर x कौन लिखाई छि पिले dx बाय cos स्क्वायर x तो किछ नै पिले एको के लिखियो देखो तो कोन ते लिख परि 1 बाय cos स्क्वायर x * dx तो dx टा को साइड रे लिखली एबे तुम जान छि पिले एबे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला 1 बाय cos ताको लिख परि sec तो ताको आराम से कोन लिख भी परि पिले sec स्क्वायर x dx एमती काहे लिखली काहे देखो पिले sec स्क्वायर x रे इंटीग्रेशन अछि एमती फॉर्म को कन्वर्ट करियो जार इंटीग्रेशन अछि हला तो sec स्क्वायर आंसर केते 10x + c तो आंसर केते हला पिले 10x + c 11 नंबर को आसो 10 नंबर सला 11 नंबर को आसो कोन दे छि पिले dx / 1 minus cos स्क्वायर x ताको एमती लिख परि पिले 1 / 1 minus तो देखो पिले 1 minus cos square theta तो केते पिले तुम्हारा sin square theta तो sin square x dx तो 1 by sin square केते पिले sec square x dx हला तो sec square x इंटीग्रेशन केते minus cot x plus c केते ला पिले minus cot x plus c बुझ पाला तो फटाफट नोट डाउन करो पिले केते हो चांस हला फटाफट नोट डाउन करो नंबर 11 जाए तो मैं लिखे दूं ची तो देख पाओ स्टूडेंट क्वेश्चन कितने इजी अछि बेकटर तो मैं खाली खाली डरू छ इंटीग्रेशन को तो कितने सल्ला हमरो एक्स क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हे गला हला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को आसो कितने दे छि पिले sin x / cos स्क्वायर x तो ताको देखो ठीक से सजे के लिखबा क्वेश्चन दे छि sin x / cos स्क्वायर x dx ताको हम को करू छ देखो पिले एमते लिख परिबे sin x / cos स्क्वायर x लिख परिबे cos x into 1 by cos x लिख पारी भी किसी असुविधा नहीं बुझ पालो पिले cos square x को cos x into cos x लिख किसी असुविधा नहीं एमते काहे लिखे छि कहो छि sin by cos हो छि केते हमर पिले 10x 1 by cos हो छि किले पिले केते हमर sec x या को दिमे ठीक सजे के लिखबी sec x टा अगर लिखो sec x into 10x dx तो कोन लाभ होला देखो एटा ओटे तुम्हारा फार्मूला sec x into 10x कार फार्मूला sec x + c रो फार्मूला बुझ पालो पिले ये वाला नंबर 12 तो ऐसा 13 को 13 नंबर कौन दिच पिले इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x / 1 minus cos square x dx ठीक है पिले तो 2 को कांस्टेंट बाहर कर दियो 2 कांस्टेंट बाहर कर देली cos x / 1 minus cos square x को लिख परि पिले केते sin square x dx कौन लिख परि पिले sin square x dx हला ये कोई भी एमती लिख परि देखो पिले cos x / sin square x को लिख परिबी sin x into 1 by sin x एमती आराम से लिख परिबी बुझ पला sin square x को sin x into sin x तो लाभ कोन हला देख परिबो तमे नेक्स्ट हेबे तो 2 को 2 रहिला cos / sin हे गला पिले तमरा cot x
वन बाय साइन हो गला कोसेक एक्स डीएक्स ठीक अच्छे पिले तो टू को टू रहा सजेक लिख कोसेक एक्स इंटू कॉटेक्स डीएक्स तो कार फर्मुला पिले माइनस कोसेक एक्स प्लस सी रहा तो माइनस टू कोसेक एक्स प्लस सी रोचे फर्मुला बुझिपाल चलो कितने नंबर सरला तुम नंबर 13 कंप्लीट हो गला है नंबर 14 को आस नंबर 14 कौन दे पिले 1 माइनस साइन क्यू एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन क्यू एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स तो या कौन कर पिले देख या इंडिविजुअल कर दियो कौन कर पिले इंडिविजुअल कर दियो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स गोटे पार्ट आउ साइन क्यू एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स गोटे पार्ट तो लाभ कौन है एमती करें 1 बाय साइन स्क्वायर एक्सटा ऊपर नीले के पिले कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन क्यू साइन स्क्वायर कैनसल हो गला तो बचला कौन साइन एक्स डी एक्स एबे कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस कॉस इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स तो माइनस माइनस सी कौन है जो प्लस कोसेक्स प्लस सी बुझे पिले ये तुम फाइनल आंसर है कत नंबर सरला नंबर 14 है लास्ट वन को आस नंबर 15 है तो नंबर 15 क्वेश्चन कौन दे पिले साइन स्क्वायर एक्स बाय वन प्लस कॉस एक्स कत साइन स्क्वायर एक्स बाय वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स तो आपको कौन कर देख स्टूडेंट है तो देखो स्टूडेंट इंटीग्रेशन क्वेश्चन तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री फंडामेंटल क्लियर थी दरकार कहीं बहुत सारा जगह तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट यूज हम बुझिपाल स्टूडेंट तो इंटीग्रेशन में तुम डेरिवेटिव भी यूज करो आगे देखा जो आम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करा डेरिवेटिव भी यूज हम तुम ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हम तो साइमल्टेनियसली तुम दुटा जिन चलो है तो मुझे कौन कर साइन स्क्वायर एक्स को लिखुची वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कौन लिखे पिले वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आउ ते जहाँ अच्छे लिख वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स एबे वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो देख पिले आम फर्मुला अच्छे तुम जान कौन लिखिपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कौन कहींपर पे ए माइनस बी ए प्लस बी कहींपर तो सेम जिन वन को वन स्क्वायर कहींपर तो ये जगह वन माइनस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स आराम से लिखिपर बाय वन प्लस कॉस एक्स तो लाभ कौन है वन प्लस कॉस एक्स कौन हो गला कैंसल हो गला है डीएक्स तो बचला के लिखिदि वन माइनस कॉस एक्स होल रे डीएक्स चलो वे इंटीग्रेशन इंडिविजुअल कर दो वन डीएक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स तो वन रे इंटीग्रेशन पिले तुम एक्स माइनस कॉस एक्स रो साइन एक्स प्लस सी तो ये हमर फाइनल आंसर के एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी है तो देख पिले यहाँ थी आम फंडामेंटल सीरीज रो फर्स्ट वीडियो पार्ट वन एथिरे मु कोन तुमको फॉर्मुलास बतेली फॉर्मुला सहित तुमको कोन बहुत सारा बेसिक फॉर्म कोन कली क्वेश्चन गुडा करैली केते 15 टा क्वेश्चन भी करैली तो ए वीडियो रे तुम बेसिक नॉलेज आसी सार थिवो बुझपाल स्टूडेंट जदी यार रिलेटेड तुम क्वेश्चन दरकार मते कहबो मु क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दे परबी किछ असुविधा नै जो माने हम स्पेशल ग्रुप रे जॉइन होबा को चाहौचो आ एई टाइप रे वीडियोस तुम वन बाय वन देखि कि निजर कांसेप्ट पूरा क्लियर करै चाहौचो तो मते एई नंबर रे कांटेक्ट कर एडी नंबर लिखि दोछ पिले ये मो नंबर तुमको लिखिदे यही नंबर में कंटाक्ट कर 9040607886 तो मुझे गोटे लिंक ग्रुप ऐड कर करदेवि जोटा स्पेशल ग्रुप बना ही मैथमेटिक्स स्पेशल ग्रुप से तुम मैथमेटिक्स पूरा सिक्वेन्सी वीडियो अपलोड करा तुम लिंक प्रोवाइड करा से वीडियो तुम्हें देखिक आराम से तुम सब पाठ कंप्लीट कर पार बुझ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रख नुआ नुआ वीडियो आसे तुमको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आज बुझ पार स्टूडेंट तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट पार्ट टू वीडियो आम आउ किसी इंपोर्टेंट एग्जांपल ना तापर पुनी पार्ट थ्री सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देखा जहाद्वारा कि तुम कॉन्सेप्ट पूरा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट होपर आम इंटीग्रेशन एक्सरसाइज को जी बुझ पार स्टूडेंट तो आज वीडियो पे इतनी था तो थैंक यू फॉर वाचिंग।